तो आज की क्लास में हम लूप के ऊपर पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट क्लासेस में डू व्हाइल लूप के बारे में बताया था और एग्जांपल दिया था डायरेक्टली फंक्शन की मदद से। चलिए हम डू व्हाइल लूप को पूरी तरह समझते हैं। तो एक बार हम पिछले लूप के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमने बताया था कि लूप दो अच्छा तरह का होता है, एक होता है फॉर लूप और एक होता है डू लूप। तो फॉर लूप जो होता है हमारा, उसके दो पार्ट है, फोर आई जिसको हम लिखते हैं, वन टू स्टार्टिंग टू एन तरह पढ़ता है ना, और एक हमारे पास फोर इच था। तो फोर इच में हमने बताया कि आपको ऑब्जेक्ट देना होता था, चाहे सिलेक्ट सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट हो या वर्कबुक या वर्क फाइल या एरे हो। तो हम दो चीज कंप्लीट करें। अब इसमें हमारे पास डू में एक होता है डू व्हाइल और दूसरा होता है डू अंटिल। तो ये चलता है कंडीशन पे, इस पे चलता है कंडीशन कंडीशन पे। तो दोनों से दोनों कंडीशन में चलते हैं, तो दोनों में एक माइनर सा फर्क है, राइट सर? तो चलिए इसके लिए हम कुछ करते हैं। जैसे कि हमारे इस एक कॉलम में डेटा डाला हुआ है, अब कितना डेटा डाला हुआ है हमें नहीं मालूम। हमने कंडीशन दिया कि भाई इस पे 100 लिखते चले जाएं, कब तक? जब तक आपको वैल्यू मिलता रहे, जब तक एक कॉलम की सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तब तक इसमें 100 डालते, ना इसका स्टार्टिंग पता है ना हमें एंडिंग पता है, राइट सर? सिर्फ एक कंडीशन पता है। तो इसके लिए हम डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट डू लूप। हमने यहाँ पे सबसे पहले तो दिया डिम आर एज ए इंटीजर, क्योंकि डू व्हाइल के पास, डू लूप के पास अपना काउंटर नहीं होता है। फोर के पास तो आई काउंटर है ना, इसके बाद अपना काउंटर नहीं है, तो हमें रेंज को इंक्रीज करने के लिए चाहिए, हमने एक इंटीजर ले लिया, राइट? और फिर आर इक्वल टू 1 कर देते हैं क्योंकि तो ब्लैंक नहीं होता है। फिर देता हूं कि डू व्हाइल, हमने दिया रेंज एक के साथ हमने आर को कंबाइन किया, डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दैट दिस इज कंबाइन वैल्यू नहीं मिला सर, क्या? आपने कंबाइन किया ना आर के साथ, वो क्या एसटी का रहा है सर, तो वो स्टार इन लगे पर्सन हुए। में से, ठीक है? और फिर हमने लिखा रेंज डी के साथ हमने कंबाइन किया आर को, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 100, आर इक्वल टू आर प्लस 1 एंड लो। समझ में आया कि नहीं कुछ? बिल्कुल, रन करते हैं तो देखिए 100 आ गया। आ गया सर। सर अब मैं इसी को डू वाइल को चेंज करता हूं और डू कर देता हूं, तब क्या होता है देखता हूं। पूछ लिया है। अब इसकी कंडीशन को हम यहां पे बड़ा करते हैं। समझ गए? तो दोनों अपोजिट होता है, एक चीज को जानिए, दोनों अपोजिट होता है। ये क्या हुआ कि जब इक्वल टू इसको 0 मिलेगा तो लूप को क्या करेगा, स्टॉप कर, तब तक वो चलता रहेगा। और डू व्हाइल जो हमने किया, अब मैं एक बार इसको इसी बात में कॉपी कर देता हूँ, दोनों माइक्रो में फर्क समझ जाइएगा, दोनों लूप में, ये दोनों लूप में ये माइनर सा फर्क आपको दिख रहा। तो ये बोल रहा है कि नॉट इक्वल टू 0, जब तक मुझे वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मिलता रहेगा तब तक मैं चलूंगा, राइट सर? मतलब रेंज, रेंज हमें इस रेंज पे जब तक मुझे वैल्यू जो 0 के बराबर नहीं है मुझे मिलता रहेगा तब तक मैं चलता रहूंगा। और
ए क्या कहता है कि मैं तब तक चलूंगा जब तक कि मुझे जीरो नहीं मिलता। ओके कंडीशन उल्टा है, एक फर्क ये हुआ। दूसरा फर्क क्या है कि ए पहले कंडीशन चेक करेगा और फिर चलेगा, मतलब कि अगर मैंने पहले ही में इसको कर दिया ब्लैंक, कर दिया ब्लैंक सर, तो ए क्या होगा, इसको रन कीजिएगा। तो ये की हो गया यहाँ पे, अब इसको रन करता हूं तो ये देखिए एक भी रिजल्ट नहीं दिया, नहीं दिया सर। यस सर। अब इसको करता हूं, ये रिजल्ट दे दिया। तो क्या होता है कि व्हाइल क्या करता है कि पहले कंडीशन को चेक करता है, राइट? ओके सर। उसके बाद वो वैल्यू रन कर, उसके बाद वैल्यू देता है। और अंटिल क्या करता है कि पहले एक वैल्यू देता है, देन कंडीशन चेक करता है। मतलब कि अगर आप टॉलटेक्स पे जा रहे हैं तो उसके दो कंडीशन होते हैं ना, टॉलटेक्स पे जा रहे हैं, ये आपका टोल टैक्स है, राइट? तो जब आप इधर अंदर से घुसेंगे तो वाइल के जरिए और ही डू के जरिए जाएंगे, डू लूप चलेगा यहां से, पूरा रोड क्रॉस करने के बाद उसको पे करना है, और यहां से क्या होगा, वाइल चलेगा कि पहले पे करेगा देन रोड क्रॉस करेगा, समझ गए? तो सर, हाँ तो सर, ये इससे इससे आगे चलेगा या नहीं चलेगा, ये डू अंटिल लूप, मतलब इसने स्टार्टिंग में तो वैल्यू दे दी 100, तो उससे आगे चलेगा नहीं चलेगा, नहीं मतलब पूरी वैल्यू। देखिए एक क्या हुआ, तो पहले कंडीशन चेक किया, नहीं हुआ, लूप से बाहर आ गया। एक क्या करेगा, एक बार वैल्यू चलेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन मैच नहीं हुआ तो बाहर आएगा, मतलब कि एक बार तो चलेगा ही चलेगा। अब एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, चलिए रुकिए, एक एग्जाम्पल देते हैं, सटीक एग्जाम्पल। जैसे कि आप, आपको आपने एक मैक्रो बनाया हुआ है जिसमें इनपुट बॉक्स है, सब मैंने यहां पे दिया p इक्वल टू इनपुट बॉक्स, एंटर। अब जैसे कि ये जो रन होगा तो आपसे नेम पूछेगा, लेकिन इसमें नेम डालना जरूरी नहीं है, हम इसको ब्लैंक रख के कैंसिल भी कर सकते हैं, ओके भी कर सकते हैं, हट जाए जी सर। अब इसी को मुझे कंपल्सरी करना कि नहीं, नेम तो आपको डालना ही पड़ेगा, जैसे लॉगिन होता है कि जब तक आप सही पासवर्ड नहीं डालोगे वो आपका पेज हटेगा ही, वही पेज PDF है। तो मैं चाहता हूं कि जब तक आप नेम नहीं डालोगे तब तक मैं इनपुट बॉक्स को हटने ही नहीं दूं। ओके। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम यहां पे देंगे डू लूप, यहां पे मैं करता हूं कि डिम पी एज ए स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग हुआ नेम है ना, हाँ और यहां पे do until p is not equal to blank, p not equal to blank, नहीं p equal to blank, not equal to blank, और यहाँ पे do, दिखा सर जी। सर सर यहाँ पे डू डू व्हाइल लूप आएगा या अंटिल आएगा, क्योंकि पहले वो कंडीशन को चेक करता है। देखिए अगर व्हाइल लूप आएगा तो पी आपका तो पहले ही से ब्लैंक है ना सर, हमें पहले पी पे वैल्यू कब स्टोर होगी सर, जब हमारा अपीयर होगा एक बार, yes, चलेगा, बात समझ में आया सर?
हमने कंडीशन तो पहले चेक कर रहे हैं ना सर, तो हमें यहाँ पे पहले एक बार इसको रन करवाना है, यूजर से इनपुट लेना है, देन चेक करना है ना सर। ओके पहले तो पी स्ट्रिंग है और पी के ऊपर कुछ वैल्यू नहीं है, वैल्यू जब रन होगी जब एक कोड रन होगा फिर एक कोड रन होगा फिर एंटर डालेगा फिर लूप उसको चेक करके फिर उसको वापस करना है नहीं करना है ये डिसाइड करेगा। तो वाइल क्या करता है कि वाइल पहले कंडीशन चेक करता है देन रन करता है, समझे। डू हमने बताया डू क्या करता है कि पहले एक रन करता है फिर कंडीशन चेक करता है, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे दिया एक बार वो रन करेगा फिर फिर उसमें जो वैल्यू डलेगी उसका ये चेक करेगा, अगर चेक करने पे दिखेगा किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वापस इसको रन करेगा, अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग है तो फिर वो लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम कुछ नहीं डालते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कर दिए कैंसिल या फिर ब्लैंक ही ओके कर दिए, तो क्या हो रहा है मेरा इनपुट बॉक्स आ गया। अब इनपुट बॉक्स हटेगा नहीं जब तक कि हम कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं डाल, कुछ भी कर लीजिए, कितना भी एंटर मार लीजिए नहीं हटेगा। जब यहाँ पे मैं कुछ डाल दिया अब देखिए हट गया, देखिए कंडीशन फुलफिल होगी आ गया, समझ गए। अब इसका इस्तेमाल जैसे कि आपने एक रिपोर्ट को ऑटोमेट किया और यूजर से कुछ मांग, अब यूजर जो मान लीजिए आपका एक डेटा है ईयरली डेटा है और आप रन करते समय यूजर से बोलते हो कि तुम मंथ का नेम दो तो आप उसके अकॉर्डिंग हम आपका रिपोर्ट तैयार करें। तो यहाँ पे मंथ का नेम इम्पोर्टेंट है, विदाउट आप मंथ का नेम डाले हुए बाकी रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता, कि बाकी रिपोर्ट तभी प्रिपेयर होगा जब मंथ का नेम पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग, क्या सर। तो यहाँ पे मंथ नेम इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए किसी ने रन किया और कैंसिल कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी सर ना, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करें। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है सर। ये दोनों उल्टा चलेगा सर जी, हाँ दोनों उल्टा, अंतिल उल्टा चलेगा। एक बार ट्राई करके देखिए ना फिर समझ में आ जाएगा। तो सर फिर हम एक ऐसा कहते हैं एज सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज करते हैं इसको डू अंटिल लूप को, जैसे कि आप चाहते हैं कि फाइल ओपन होते ही मुझसे पहले पासवर्ड मांगे, जब तक पासवर्ड ना डालूं तो पहले फाइल को एक्सेस ना करने दे, इस पर्पस से भी इसका इस्तेमाल होता है। यूजर फॉर्म वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यूजर फॉर्म जब तक वो करेक्ट नंबर नहीं डालेगा तब तो यूजर फॉर्म हटेगा ही नहीं, आगे से बहुत इसका यूज होता है। दूसरा ये होता है कि जैसे कि आप इसको इंटरनेट वगैरह से आगे हम वेब स्क्रिप्टिंग सिखाएंगे, तो इंटरनेट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने वेबसाइट ओपन करवाया, वेबसाइट ओपन तो तुरंत नहीं हो जाता है ना, हम भाई फाइल ऑटोमेट कर देते हैं लेकिन वेबसाइट तो ऑटोमेट नहीं होती है ना सर, वो तो लोड होने का टाइम लगता है ना कुछ सेकेंड्स का, तो जब तक वो वेबसाइट लोड नहीं हुई तब तक आपको माइक्रो को वेट करवाना है, तो वेट करवाने के लिए हम लिखते हैं भाई कि डू अंटिल इंटरनेट एक्सप्लोरर नॉट इक्वल टू रेडी देन वेट। तो वेट कमांड वो चलता रहेगा कब तक, जब तक कि इंटरनेट का रेडी नहीं होता है, तब तक माइक्रो को, तब तक माइक्रो को एक्सेल को सिस्टम को हैंग करके रखेगा। तो आगे इसके बहुत सारे यूज है लेकिन नॉर्मल हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं डू वाइल, जैसे कि मैंने बताया था आपको बुक्स सारे फोल्डर में से बहुत सारे फाइल्स को लेना है या फिर जितने भी शीट्स हैं सारे शीट्स पे वर्क करना है वगैरह वगैरह। ओके और उसमें सर ये कंडीशन कैसे लगाएंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जब तक उसमें राइट टाइप ना हो तो वो उसको लॉगिन ना होने दे। हाँ तो यहाँ पे आपने जहाँ पे नॉट इक्वल टू ब्लैंक किया है ना
जी सर नॉट इक्वल टू, चाहे तो दीजिए, ठीक है। इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कल हम आपके साथ, ये हमारा लूप का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और कल से हम नया चैप्टर इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें। सर इस पे कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्या? एक दोनों इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट करेंगे इसकी। ओके फाइन सर, ओके बाय, टुमारो सेम टाइम, फाइन सर, थैंक यू, बाय बाय।